Now we will discuss about fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate जो state है matter की just opposite from the plasma. Plasma में क्या super energetic atom रहते हैं, they are highly charged, highly energetic. और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, just opposite means they are super lazy atoms. They lose their energy. कैसे energy lose करते हैं वो हम अभी discuss करते हैं. This state of matter was firstly predicted by means एक कल्पना की गई थी, और वो की गई थी इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने. और उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन, जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन के करने के लिए जो भी कैलकुलेशन की थी, वो उन्होंने उस टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजी. अल्बर्ट आइंस्टीन ने सारी कैलकुलेशन और फिर अपनी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया कि हाँ, स्टेट मैटर ऑफ स्टेट इस तरह का भी एक हो सकता है. लेकिन क्योंकि उस टाइम लैब फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी और इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम इसको सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पर था, एक्सपेरिमेंटल बेस पर प्रूव नहीं हो पाया. वो बाद में हुआ, लेकिन हाँ, उसके जिससे प्रूफ हो गया कि तीन इस तरह की मीन्स नाउ देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर. Now something more about BEC. This state of matter was first predicted by Indian physicist Satyendra Nath Bose in 1925. Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter. Now, लेकिन बनाया सबसे पहले किसने? The Bose-Einstein condensate was first made by Eric A. Cornell, Carl E. Wieman, Wolfgang Kettele in 1995, जिसके लिए उनको बाद में नोबल पुरस्कार भी मिला था. दे मेड इट, उन्होंने बनाया कैसे? रूबीडियम गैस को लेके. व्हाई दे हैव सेलेक्टेड रूबीडियम गैस? रूबीडियम गैस बहुत ही लो डेंसिटी के, लो डेंसिटी के मीन्स जिसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं. डेंसिटी मैंने आपको अब समझाया था, तो बहुत हल्की गैस होती है. और उन्होंने रूबीडियम गैस के एक सैम्पल को अल्ट्रा लो टेम्परेचर, दैट इज़ -275 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, दैट इज़ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, उसमें उन्होंने इस रूबीडियम गैस को कूल किया. तो ढेर सारे एटम्स वी कैन कलेक्ट बिकॉज डेंसिटी कम होने की वजह से. और इस टेम्परेचर पर वेलोसिटी जो थी एटम्स की वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. वेलोसिटी मीन्स काइनेटिक एनर्जी या मोमेंट, आप समझ लीजिए. और जब हम डिक्रीज करें टेम्परेचर तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है. तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर था, बहुत ठंडा था, तो एटम की जो वेलोसिटी थी एकदम डिक्रीज होते होते उन्होंने अपनी सारी एनर्जी खो दी और एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर गिरने जैसे एक चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करने लगी पार्टिकल्स. तो बीईसी में दो ओवरलैपिंग एटम्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एटम. सब एटम्स जुड़ जुड़ कर जब एक जैसे हो गए, एक बड़ी सी बॉल का रूप ले, मतलब एक बॉल का रूप ले लिया उन्होंने, जिससे उनको सिंगल एटम कहा गया. और इस प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको बोला गया सुपर एटम या बीईसी, क्योंकि इसमें ढेर सारे एटम्स मिलकर एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते. दैट इज़ ऑल अबाउट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट.